नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेंजोइल परोक्साइड जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बेंजोइल परोक्साइड जेल को कैसे लगाना चाहिए और बेंजोइल परोक्साइड जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। बेंजोइल परोक्साइड जेल का उपयोग मुख्य रूप से एक्ने यानी चेहरे पर मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। बेंजोइल परोक्साइड जेल पिंपल्स और मुहासों के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया को मारती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेंजोइल परोक्साइड जेल को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे व हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को फेस वॉश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं और उसके बाद चेहरे व हाथों को अच्छी तरह सुखाने के बाद बेंजोइल परोक्साइड जेल की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैला कर लगानी चाहिए। बेंजोइल परोक्साइड जेल को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बेंजोइल परोक्साइड जेल को दिन में एक बार लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर पिंपल्स और मुहासों की गंभीरता ज्यादा होने पर बेंजोइल परोक्साइड जेल को दिन में दो बार भी लगाने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। बेंजोइल परोक्साइड जेल को आँख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए बेंजोइल परोक्साइड जेल को आँख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। बेंजोइल परोक्साइड जेल को घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए बेंजोइल परोक्साइड जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेंजोइल परोक्साइड जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बेंजोइल परोक्साइड जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बेंजोइल परोक्साइड जेल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन, खुजली, त्वचा में सूखापन, त्वचा में लालपन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। इन साइड इफेक्ट्स को दिन में मॉइस्चराइजिंग क्रीम या वैसलीन लगाकर कम किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाने के बाद त्वचा में लालपन, त्वचा में जलन या त्वचा में खुजली ज्यादा होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगा सकती हैं या नहीं। वैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बेंजोइल परोक्साइड जेल का उपयोग करना सुरक्षित है और बेंजोइल परोक्साइड जेल प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में कोई साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं करती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेंजोइल परोक्साइड जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेंजोइल परोक्साइड जेल को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बेंजोइल परोक्साइड जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।